हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं खुशबू अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके साथ आंवले की हरी और मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। दोस्तों, हम सबसे पहले हरी चटनी बनाते हैं। उसके लिए हम आंवला लेंगे। आंवले को काट कर उसके बीज को निकाल कर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। फिर हम एक जार लेंगे, जार में कटे हुई आंवले ऐड करेंगे। उसमें हरी मिर्चा, दो चार लहसुन की कलियां, टेस्ट के अनुसार नमक और हरा धनिया ऐड करेंगे। फिर हम लास्ट में इमली का पल्प ऐड करेंगे। फिर उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम उसमें एक चम्मच तेल ऐड करेंगे और फिर से हम उसे ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। फिर हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारी आंवले की हरी चटनी तैयार है। अब चलिए हम आंवले की मीठी चटनी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो हम एक पैन लेंगे, पैन में लाल मिर्च ऐड करेंगे, उसे थोड़ा सा सौते करेंगे। फिर उसमें हम तेज़पत्ता और खड़ा मसाला ऐड करेंगे। खड़ा मसाला में आप काली मिर्च, जीरा, सौंफ, धनिया ये सब ऐड करिएगा। उसे सौते करिएगा जब तक वो सुगंध देने लगे। फिर हम आंवला लेंगे, आंवला 250 ग्राम लीजिएगा और एक पैन में एक गिलास पानी ऐड करिएगा। पानी को उबालिएगा, फिर उसमें हम आंवला को ऐड करेंगे। आंवला इतना पकाना कि आंवला बीच से क्रैक होने लगे। फिर हम इसमें एक चम्मच फिटकरी ऐड करेंगे। फिटकरी डालने से आपके आंवले में जो कड़ापन होता है वो हट जाएगा। अब हम इसे ढककर कुक करेंगे। कुक आप इतना करना कि इसमें बीच में क्रैक होने लगे। अभी ये क्रैक नहीं हुआ है, सो हम इसे फिर से पकाएंगे। एक दो मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, आंवला बीच से क्रैक हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे किसी छन्नी की सहायता से छान लेंगे। दोस्तों, आप इस पानी को फेंकिएगा मत। ये पानी से आप फ्रिज साफ़ कर सकते हो, कोई भी दाग होगा वो भी हट जाएगा इस पानी से। दोस्तों, अब हम आंवला को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके बीज को बाहर निकाल देंगे और आंवले के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे हाथ से भी तोड़ सकते हो। दोस्तों, आप इतना छोटा छोटा पीसेस में कट करना। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें पचफोरना ऐड करेंगे और हम एक तेज़पत्ता और एक लाल मिर्च ऐड कर उसके सौते करेंगे। जब उसमें खुशबू आने लगे तो हम उसमें कटी हुई आंवला को ऐड करेंगे और एक दो मिनट कुक करेंगे। फिर उसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे और एक दो मिनट फिर कुक करेंगे। अब हम उसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे। इसे ओवर कुक मत करना क्योंकि ये आंवला पका हुआ है। फिर हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। एक दो मिनट के कुक करने के बाद हम उसमें जागरी ऐड करेंगे। जागरी आप 100 ग्राम के लगभग लेना। जागरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर उसमें ऐड कर देंगे और फिर हम उसे हाई फ्लेम कर जागरी को पकाएंगे पिघलने तक। दोस्तों, आप उसमें एक बूंद भी पानी ऐड मत करना, नहीं तो आपकी चटनी का स्वाद बिगड़ जाएगा।
जागरी जब पिघल जाए और उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए तो आप उसमें जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला ऐड करिएगा। फ्रेंड्स, हमारे घर में मसाला खूब डलता है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, हम इसे 2 मिनट और कुक करेंगे, फिर गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखने में लग रहा है ना सुंदर, क्योंकि घर का जायका भी खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। अगर आपको आंवले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना और शेयर भी करना, और हमें कमेंट करके बताना कि हमें हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojiakhushbu123। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।